नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा, प्रभात किड स्कूल की हिंदी अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ इस कक्षा में कक्षा 2 से रिमझिम की पुस्तिका से एक कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। क्या आप लोगों ने कभी भालू को फुटबॉल खेलते हुए देखा है? नहीं ना। आज मैं आपको बताऊंगी कि भालू किस तरह फुटबॉल खेलता है। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। सर्दियों में होता है ना, बहुत ही हमें ठंड लगती है, तो सर्दियों में बहुत ही ठंड होती है और उस ठंड में एक शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अब जब हम एक बार सो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद लग जाती है, तो उस शेर के छोटे से बच्चे को भी बहुत ही अच्छी नींद लग गई थी और वो जामुन के पेड़ के नीचे बहुत ही आराम से सो रहा था। अब वो इतना सिकुड़ गया था, जब हमें बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो हम इस तरह ओढ़ कर सोते हैं, है ना, तो ठीक उसी तरह शेर का बच्चा भी बहुत ही सिकुड़ कर सोया हुआ था और उसे देखने पर वो बिल्कुल एक बॉल की तरह लग रहा था। तभी अचानक वहां पर एक भालू आ जाता है। भालू अपनी सैर के लिए निकलता है और भालू जब चलते चलते जामुन के पेड़ के पास आता है तो उसे वहां एक बॉल नजर आता है, जबकि हमें पता है वह कोई बॉल नहीं है, वह तो एक शेर का बच्चा है, परंतु भालू को वह नहीं पता था। भालू ने उस शेर के बच्चे को बॉल समझकर अपने पैरों से एक किक मारी, इसका मतलब उसको एक लात मारी। जैसे ही भालू ने शेर के बच्चे को लात मारी, वह लुढ़कता हुआ वहां से आगे की ओर चला गया और अंगड़ाई लेने लगा। भालू ने देखा, अरे ये तो कोई फुटबॉल नहीं, ये तो शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा दौड़ा दौड़ा वापस भालू के पास आया और उसने भालू से कहा कि मुझे और ऐसे या लात मारो। क्यों? क्योंकि शेर को बड़ा मजा आ रहा था, उसे उस सर्दी के दिनों में खेलने में बड़ा मजा आ रहा था। तब भालू ने उसे फुर्ती से और एक लात मारी। फुर्ती से अर्थात जल्दी से उसे एक और बार लात से मारा, बिल्कुल गेंद की तरह, जिस तरह हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक उसी तरह से उसने भी उसे लात मारी। शेर के बच्चे को फिर मजा आने लगा। शेर का बच्चा तो भालू के पीछे ही पड़ गया, उसे बार बार लात मारने के लिए कहने लगा। भालू ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरह करते करते उसे कुल 12 बार उसे अपनी लात से धक्का दिया और अंत में भालू ने 12वीं बार उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधा जाकर एक पेड़ को लपक गया। लपकना अर्थात पकड़ना, उस पेड़ को जाकर उसने पकड़ लिया। भालू दौड़ा दौड़ा गया और उसने उस शेर के बच्चे को देखा तो शेर का बच्चा पेड़ की डाल पर लटका हुआ था और डाल इतनी नाजुक थी कि वह शेर के छोटे से बच्चे के उस भार को भी संभाल नहीं पाई और शेर का डाल टूट गई और शेर का बच्चा नीचे गिरा। जैसे वो नीचे गिर रहा था, भालू ने झट से उसे लपक लिया, मतलब उसे पकड़ लिया, और जैसे ही भालू ने उसे पकड़ा, शेर का बच्चा उसे और कहने वाला था कि आप मुझे और एक लात मारो या मेरे साथ और खेलो। उतनी देर में भालू ने उसे कहा कि आप यहाँ पे बैठो, मैं अभी आता हूँ, और मौका देखते ही भालू वहां से चला गया। भालू जाने के बाद जैसे ही पेड़ की डाल टूटी तो आवाज आती है ना जोर से, तो जोर से एक धड़ाम से एक आवाज आई, तो वहां पर माली आ गया। माली कौन होता है? माली वो होता है जो पेड़ों की रक्षा करता है, जो पेड़ पौधों का पूरा ध्यान रखता है। वह आया और उस माली ने उस शेर के बच्चे से कहा, तुमने मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी है, तुमको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना मतलब उसकी कीमत चुकानी होगी। तो शेर का बच्चा बड़ा चालाक था, उसने कहा, हर्जाना ठीक है देता हूँ, पहले जरा ठीक तो बोलो। इस तरह से शेर के बच्चे ने कहा और माली ने कहा, ठीक है मैं भी आता हूँ, मुझे मेरा हर्जाना तुम तैयार रखना। जैसे ही माली वहां से गया, शेर का बच्चा दौड़ते हुए 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब वहां से भाग जाना। 9-2-11 एक मुहावरा है। समझ में आई आपको कहानी? इसमें कौन कौन खेल रहा था? भालू और शेर का बच्चा। क्या भालू सचमुच गेंद के साथ खेल रहा था? नहीं, भालू शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। और भालू ने कितनी बार शेर के बच्चे को उछाला था?
बिल्कुल सही, 12 बार उसने शेर के बच्चे को हवा में उछाला था और उस शेर के बच्चे को बड़ा ही मजा आ रहा था। शेर का बच्चा किस पेड़ के नीचे सोया था? जामुन के पेड़ के नीचे वह सोया हुआ था। तो आप सभी को पसंद आई ये कहानी? अच्छा ठीक है, अगले तासिका में हम इसके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।